को लेकर तनाव का माहौल है। कोलकाता के किशोर संघ क्लब के द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा में अन्य समुदाय के लोगों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया। क्लब के सदस्यों ने बताया कि समूह के लोगों ने तुरंत साउंड सिस्टम बंद कराने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि समूह द्वारा साउंड सिस्टम बंद नहीं करने पर दुर्गा पूजा बंद कराने की धमकी दी गई है। इस मामले पर शुभेंदु अधिकारी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में यह बीमारी बांग्लादेश की फैलाई हुई है। तो पश्चिम बंगाल में इस बार की दुर्गा पूजा में कई तरह के मुद्दे हैं, कई तरह से फीकी भी है ये पूजा, और क्या कुछ वहां पर है इसके लिए सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी से, जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले प्रसेनजीत, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो डॉक्टर भूख हड़ताल पर हैं कोलकाता में बैठे हुए, उनकी क्या हालत है और इस समय उनके स्वास्थ्य को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? लालचंद, पहले तो ये बता दूं कि आप एकदम सही कहा कि इस बार की दुर्गा पूजा अगर फीकी ना होती तो मैंने पूरे दिन आप लोगों के साथ नहीं होता। आपके साथ होना जरूरी है क्योंकि जो जो कुछ भी हो रहा है वो होना नहीं चाहिए था। ये जो चिकित्सक यहाँ पे भूख हड़ताल पर है, इसमें से एक को कल आधी रात को CCU में लेना पड़ा, डॉक्टर अनिकेत महतो को। बाकी यहाँ पे जो 6 चिकित्सक है कोलकाता में और 2 चिकित्सक है सिलीगुड़ी में, ये सबका तबीयत काफी नाजुक स्थिति में पहुंच गया है क्योंकि 140 घंटा से भी ऊपर हो गया है। और आज थोड़ा सा भी किसी को अगर फिजियोलॉजी के बारे में पता है तो वो समझ सकते हैं कि ये 140 घंटा के ऊपर अगर किसी ने भूख हड़ताल पर है, और सही में भूख हड़ताल ये क्यों मैं बताया, इसका पीछे कारण है, जो भी हो सही भूख हड़ताल तो उसके बाद क्या स्थिति हो सकता है, चाहे जितना भी नौजवान हो ना की, तो ये सारे डॉक्टर की स्थिति अभी काफी नाजुक है। लेकिन इस वक्त फिलहाल वहां पे एक महारैली जो जारी है और इनका जो जोश है अंदर की, वो अंदर की जोश बरकरार है। लालचंद, ठीक है, प्रसेनजीत दा, ये पश्चिम बंगाल का कौन सा इलाका है जो बांग्लादेश की तरह बनता जा रहा है, जहां पर दुर्गा पूजा पर रोक और यहाँ का जमाते इस्लामी, ये कौन खड़ा हो गया जो पश्चिम बंगाल के अंदर वो बांग्लादेश ऐसा माहौल बना रहा है दुर्गा पूजा में व्यवधान डालकर? नहीं 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 लालचंद, ये आपको समझना चाहिए, जो बंगाल की पुलिस, कोलकाता की पुलिस, वो ये डॉक्टर लोगों का जो आंदोलन है इसे रोकने के लिए जितना प्रोएक्टिव है, या 14 अगस्त रात को जब आरजीकर अस्पताल में कुछ गुंडा ने गुंडाई किए हैं उनको रोकने के लिए जिस तरह से नाकाम रही, वो साबित करता है कि यह बांग्लादेश क्या कुछ भी हो सकता है। दो बातें, दो जगह है, ये जो आपने वीडियो दिखाया ये दो जगह का वीडियो है, एक एक्सट्रीम नॉर्थ बंगाल में आसाम से सटा हुआ अलीपुर द्वार जो जगह है, उस अलीपुर द्वार में कल आधी रात को जैसे आप समझ सकते हैं कि दूसरे समुदाय के लोग आके इन महिलाओं को धमकी देके गया, ये जो महिलाओं की आप दिखा रहे हैं ये अलीपुर द्वार का है। और दूसरा जो फुटेज है, दूसरा फुटेज आज दोपहर 1 बजे का, ये फुटेज जो है आज दोपहर 1 बजे का कोलकाता की गार्डन रिज, जिसे कोलकाता की मेयर और तृणमूल कांग्रेस की बड़ा नेता ममता बनर्जी की डायना हाथ बॉबी हाकिम किसी समय पे मिनी पाकिस्तान कहते थे और कहते हैं अभी भी, उसी गार्डन रिच इलाका की इस घटना है जो पंडाल में घुस गए और अपने नमाज की समय पे इन्होंने माइक बंद करने की धमकियां। बाकी इलाकों में हालांकि थोड़ा सा फीका है, लेकिन बाकी इलाकों में दुर्गा पूजा की रौनक कैसी है दादा, किस तरह का इस बार माहौल है? देखिए, दुर्गा पूजा अपनी जगह पे है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बाकी समय पे जैसे हर एक पंडाल में जो 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 कल्चरल प्रोग्राम, बंगाली कल्चरल प्रोग्राम हुआ करता था, वो इस बार किसी जगह पे दिखाई नहीं दिया। फिर जो 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 आर्टिस्ट होते थे, जिन लोगों का इस समय पे काफी महंगा बुकिंग हुआ करता था, वो सब आर्टिस्ट का बुकिंग हो ही नहीं रहा है, महंगा होने का तो दूर की बात है। लोग निकल रहे हैं, पंडाल में पहुंच रहे हैं, प्रतिमा के सामने अपना नमन कर रहा है, ये तो है, लेकिन मन में जो आक्रोश और निराशा है वो जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल लाजिमी है कि इस तरह का असर जो है वो इस बार है वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए।